कल एटीएम के बाहर हम खड़े थे तो हमारे पीछे एक लेडी खड़ी थी, तो वो बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान। बेटा ऐसा है, बेटा वैसा है, बेटा बहुत प्रॉब्लम हो रही है पैसे की, पैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा, आंटी ऐसा करिए, आप पहले पैसा निकाल लीजिए, आप थोड़ी जल्दी में लग रही हैं और थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है आपको। तो वो लेडी अंदर गई हैं और विड्रॉ करके बाहर आई हैं, तो बहुत खुश थी। हमने कहा, आंटी चलिए आपका पैसा निकाल। कितना निकाला आंटी आपने? कि बेटा पूरे 200 निकाल लिया आज। चलिए आगे बढ़ेंगे। और IBPS क्लर्क के बारे में कुछ बातें करेंगे आज। हालांकि 10-15 दिन रह गया एग्ज़ाम को, कुछ लोग 27 को जाएंगे, कुछ लोग 3 तारीख को भी जाएंगे। तो 10-15 दिन में आपको क्या करना है, और बहुत कुछ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हम। डिस्कस इन सेंस, पिछले साल क्या हुआ था, ये बहुत बड़ा दिमाग में रहता है कि पिछले साल क्या आया था, क्या कट ऑफ थी, कितनी वैकेंसी थी। कुछ पिछले साल का भी देखेंगे और इस साल से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, और आपको क्या करना चाहिए। अगर आप अगले 10 दिन में हैं, अगर 10 दिन की तैयारी में हैं, तो आपको क्या, किस टॉपिक पर, अदरवाइज से किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको, क्योंकि लास्ट के 10 दिनों में वही टॉपिक पढ़ना चाहिए जिस पे आपका ज़्यादा कमांड है और जहाँ से आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाई एजुकेशन, और लाइक करिए, शेयर करिए, और हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे। और जहाँ तक कमेंट की बात है, तो मैं जिनके रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ उनसे मैं सॉरी कहूँगा, और मैं कोशिश पूरी करता हूँ जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, जब जो कमेंट मैं पढ़ पाता हूँ वो उसके रिप्लाई मैं ज़रूर कर देता हूँ। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो सॉरी फॉर दैट। मेरी पूरी कोशिश रहती है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सारे लोगों के जवाब दे सकूँ। अगर नहीं दे पाता हूँ तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और पहले कुछ मोटी मोटी चीज़ें देख लेंगे, क्या क्या है, मतलब क्या चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। IBPS क्लर्क में आप जा रहे हैं तो क्या चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, पहले उस पर फोकस करते हैं। चलिए, अब वो बातें जो आपको जानना ज़रूरी है, 2015 और 2016 में थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे, और लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या था। अगर वैकेंसीज़ की बात कर लें, ठीक है, तो लास्ट ईयर वैकेंसी 30,000 थी, इस बार कितनी है, 19,000 है। वैकेंसीज़ का फॉल हुआ है, और बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है, 11,000 वैकेंसीज़ कम हुई हैं अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। और ये कहीं ना कहीं पता कहाँ पे असर डालने वाला है, ये डालेगा आपके प्री के कट ऑफ पे असर, और बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे असर डालने वाला है। नंबर काफ़ी बढ़ने वाले हैं अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे। अगर वैकेंसीज़ की कंपेरिजन में बात करें तो कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ने की उम्मीद है। अगर सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन हम प्री की बात कर रहे हैं, अगर प्रीलिम्स से जो सिलेक्शन हुए थे, तकरीबन 6 लाख लोग गए थे, ठीक है, किसमें, प्रीलिम्स में, सॉरी मेंस में, मेंस में जो गए थे फिर लास्ट ईयर, तो लगभग 6 लाख लोग गए थे। लेकिन इस बार मेंस में कितने लोग जाएंगे, क्या कहते हैं ये, 20 टाइम्स, 20 टाइम्स सिलेक्शन करते हैं, प्रीलिम्स से मेंस में 20 टाइम्स ले जाते हैं, तो कुछ 19,000 x 20 करेंगे तो कुछ 3.8 लाख आएगा। अब सोचने वाली बात है, लास्ट ईयर 6 लाख गए थे मेंस में, ठीक है, इस बार मेंस में कितने जाएंगे, 3.8, तकरीबन आधा है लास्ट ईयर कंपेरिजन से, बिल्कुल आधा है। तकरीबन 6 लाख लोग गए थे पिछली बार मेंस में, लेकिन बस सिर्फ तकरीबन 4 लाख लोग ही जा रहे हैं मेंस में, ठीक है, 4 लाख भी नहीं, उससे भी कम है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये जो आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ होगी ना, ये कट ऑफ होगी ना, उस पर इफेक्ट डालेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है ये चीज़। ये जो 6 लाख से 4 लाख में ना, ये कट ऑफ पे असर डालेगा। तो प्रीलिम्स की कट ऑफ कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से ज़्यादा होगी। देखिए, हम कट ऑफ ही आगे देखने वाले हैं, लास्ट ईयर क्या क्या थी, कट ऑफ हम कोई प्रिडिक्शन नहीं करेंगे इस बार का, क्या अभी तो जब पेपर के पहले मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करने वाला हूँ कट ऑफ को लेके, लेकिन लास्ट ईयर क्या थी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे मोटा मोटा चीज़ जो आपको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज दे रही है, देखिए डरने की वाली कोई बात नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल मेरा मानना था कि आपको बताना ज़रूरी है। देखिए, पहली बार 6 लाख लोग गए थे, तो प्री का कट ऑफ लास्ट ईयर से थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है। पेपर कैसा होगा और पेपर का लेवल कैसा होगा, लास्ट ईयर कैसा था, इस बार कैसे आने वाला है, क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, चलिए वो भी डिस्कस
स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये प्रीलिम्स का पैटर्न है, आप सभी जानते होंगे, इसमें से वाकिफ होंगे। प्रीलिम्स का पैटर्न है ये, और इसमें कुछ नया है नहीं, नहीं। ठीक है, प्रीलिम्स का पैटर्न है। इंग्लिश आनी है 30 मार्क्स की, 30 नंबर की, और न्यूमेरिकल एबिलिटी आनी है 35 मार्क्स की, 35 क्वेश्चन, रीजनिंग आनी है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स से। इसमें कुछ भी नया नहीं है, बहुत पुराना पैटर्न है, तकरीबन 2 साल हो गया इस पैटर्न को आते हुए, तो इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है, पैटर्न यही है। और टाइम जो है 1 घंटा है, विंडो कोई नहीं है, विंडो कोई आपको नहीं दी जा रही प्रीम। और कुछ चीज़ें बता दूं जो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, सेक्शनल कट ऑफ है, हर चीज़ में आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालनी पड़ेगी, और एक टोटल कट ऑफ होती है, उसको भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा तो आप आगे जा पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या है। ये है, अगर बात करें तो IBPS 2015 का प्रीलिम्स का इंग्लिश का सेक्शन है, लास्ट ईयर का, 2015 का। देखिए था क्या लास्ट टाइम, था क्या, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन था 10 नंबर का, क्लॉज टेस्ट था 5 नंबर का, ठीक है, तीसरा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करेक्शन जिसे कहते हैं, स्पॉट एरर 5 नंबर का, पैरा जंबल 5 नंबर का। ये था लास्ट ईयर 2015 का, बता रहे हैं 2015 का है ये, ठीक है। तो देखिए पेपर क्या था, इजी लेवल का, इंग्लिश जो आई थी वो इजी लेवल की आई थी। पीओ वाला पेपर अगर कंपेयर करेंगे अगर क्लर्क वाले से, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलने वाला है। पीओ का पेपर काफ़ी हार्ड होता है, टफ होता है एज कंपेयर टू क्लर्कल लेवल। तो क्लर्कल लेवल का पेपर ये मान के चलिए इजी आएगा। अभी आपने ये दिया, आरआरबी दिया था ऑफिस असिस्टेंट का, कुछ वैसा ही, कुछ वैसा ही, क्योंकि कट ऑफ कुछ वैसी ही जाती है, कट ऑफ हाई जाती है इसकी। पहली बार कट ऑफ हाई नहीं गई थी, उतनी हाई नहीं, क्योंकि 6 लाख लोगों को मेंस में ले जाना था, इसलिए कट ऑफ उतनी हाई नहीं जा पाई। इस बार थोड़ी सी बढ़ने की गुंजाइश है, चांसेस बहुत ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही है। फिलहाल 2015 का इंग्लिश की बात करें तो ऐसे मतलब सॉरी इजी आया था, और 10 नंबर की रीडिंग आरसी जो आई थी वो 10 नंबर की आई थी, क्लॉस टेस्ट 5 नंबर आया था। देखिए एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, वो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार कुछ चीज़ें गायब थी, जैसे हम बात कर रहे हैं पीओ वाली की, IBPS पीओ में क्या था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का नहीं आया था, वहां 7 नंबर का आया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, स्पॉट एरर ये चीज 10 नंबर की थी, याद है पीओ में। तो एक आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर वो ऐसा करते हैं क्लर्क में भी, तो आपको रहना है तैयार। ठीक है, देखिए पहली चीज, लेवल जो है पेपर का वो इजी होगा, उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर लेवल का इजी होगा वो बात अलग रख देते हैं। दूसरी बात ये रखते हैं कि आपको तैयार कहाँ कहाँ रहना है। पैरा जंबल आसान आता है, सही आएगा, कर लेंगे आप, लेकिन स्पॉट एरर जो उन्होंने 10 नंबर का किया था लास्ट ईयर, आपको याद होगा, सॉरी लास्ट ईयर कर रहा हूँ, पीओ वाले पेपर में उन स्पॉट एरर 10 नंबर के बढ़ा दिए थे, जिसमें फिलिंदा ब्लैंक्स ब्लैंक्स टर्न्स नर्म्स हटा दिए गए थे, वो सब नहीं थे, जबकि वो आते थे वो नहीं थे। तो आपको यहाँ से भी माइंड लिया, आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपको वो क्या चीज़, देखिए सिलेबस यही रहेगा, बस इसी में वो थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्या बता वो कर दें 10 नंबर का, हालांकि आता है 7 नंबर का, पीओ में 7 नंबर का आता है, इस बार 10 नंबर का कर सकते हैं। ठीक है, 5 5 नंबर के 2 कर सकते हैं, क्लॉस टेस्ट 5 नंबर का आएगा। देखिए क्लॉस टेस्ट और पैराजमल, ये 5 5 नंबर के तो पक्के हैं, ये तो आएंगे, ठीक है, लास्ट ईयर भी थे, इस बार भी आएंगे, तो इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या स्पॉट एरर जो 10 नंबर के उन्होंने कर दिए थे, क्या क्लर्क में भी 10 नंबर का कर दिया जाएगा? तो इसके लिए आपको माइंडली आपको अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि 27 तारीख को जो जाएंगे, 27 तारीख का जो पेपर है उस दिन उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो 28 को जाएंगे, जो 3 तारीख को जाएंगे, उनको पता होगा, ठीक है, कि क्या आने वाला है जो आगे, क्योंकि उनको उनको पेपर का स्टेटस पता चल जाएगा, पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, तो उनके लिए फायदा है। लेकिन जो 27 वाले, मैं उनको उनके लिए कह रहा हूँ कि आपको अपने आप को तैयार कर लेना है, कि अगर आपको स्पॉटर 10 मिल जाते हैं तो आपको पहले से माइंड में आपके होना चाहिए, चलो हाँ 10 मिलने वाला था, मिल गया, तो उसमें कोई नया नहीं है। एक्चुअली वहाँ आप देखिए, बात वो नहीं होती है कि आप क्या करने वाले हो, बात वो होती है आप क्या करोगे घंटे में, उसे घंटे में डिसीजन लेने लगोगे ना तो आपका पेपर छूट जाएगा। वो 1 घंटा डिसीजन लेने का नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ करने का होता है, कि आपको करना है, वहाँ डिसीजन ले लेंगे कि मैं ये छोड़ दूँ, वो कर दूँ, ये कर लूँ, अच्छा ये डिफिकल्ट है, ये आसान है, इसको कर लेता हूँ, पेपर गया,
डिसीजन आपको घर से ही लेके जाना है कि अगर ये आएगा तो मैं ये कर दूंगा, अगर वो आएगा तो मैं इसे करूंगा। ये आपको माइंड घर में ही बना लेना है, एग्जाम से पहले ही बना लेना है कि अगर मेरे साथ ऐसा बदलाव, ऐसा चेंजेस आईबीपीएस कर देगा तो मैं क्या करने वाला हूँ। ये इसे कहते हैं तैयारी, इसे कहते हैं प्रिपरेशन। आपने प्रिपरेशन क्या किया, उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया। उन्होंने आप गए, आप सोच के कॉम्प्रिहेंशन यार 5 नंबर का आएगा, वहां आ गया 10 नंबर का, तो आप उसके लिए तैयार होने चाहिए, आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये काम आपका था, ये काम उनका नहीं था, आईबीपीएस का नहीं था कि आपको तैयार करेगा, ये काम आपका था कि आपको अपने आप को तैयार करना था कि अगर 5 से 10 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आरसी आ जाएगा तो मैं कैसे उसको हैंडल करूंगा। ठीक है, अगर स्पॉट एरर 5 से 10 10 स्पॉट एरर आ जाएंगे तो उनका उनके साथ मुझे क्या करना है, उनका मुझे क्या करना है, ये मुझे पहले से पता होना चाहिए। इसे कहते हैं प्रिपरेशन, इससे कहते हैं तैयारी, कि आपने तैयारी की है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि क्लॉस टेस्ट पैरा जंबल तो आप देते आ रहे हो यार, उसमें कुछ नया नहीं है। मैं क्या इसमें नया बता दूं आपको, कुछ पता नहीं है। क्लॉस टेस्ट मैं क्या कहूँगा, क्लॉस टेस्ट आप प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप क्लियर होंगे, ये कुछ नया नहीं है। क्योंकि पिछले क्लॉस टेस्ट में मैं आपको क्या नया बता दूं यार, आई हैव बीन टेलिंग यू फॉर 6 मंथ क्लॉस टेस्ट कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पैरा जंबल कैसे करना है, उसमें अब मैं क्या बता दूं, नहीं बता। लेकिन मैं ये आपको जरूर बताऊंगा कि ये सब तैयारी आपको करनी है, क्योंकि आपको माइंड स्टेट आपको होना चाहिए कि अगर मेरे साथ चेंजेस करेगा तो मुझे आपको क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम मोटा मोटा ये मान के चल रहे हैं कि 2016 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का आएगा, स्पॉट एरर 5 नंबर का आएगा, क्लॉस टेस्ट 5 नंबर का आएगा, पैरा जंबल 5 नंबर का आएगा, फ्रेज या फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, 5 नंबर का आता है। ये रहा 2016 का जो आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ है। देखिए स्पॉट एरर में क्या करना है आपको, ज़्यादातर स्पॉट एरर, क्लॉस टेस्ट ज़्यादा लगा, पैरा जंबल में ये जो चीज़ होगी ना, ये चीज़ इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पास टाइम नहीं, क्योंकि ये सबसे, इसको क्या करना है आपको, सबसे लास्ट में करना है। ठीक है, सबसे लास्ट में करना है ये चीज़, और ये चीज़, और ये चीज़ ये आप कर सकते हो तुरंत, ये हार्डली आपका 5 मिनट लेगा, तीनों चीज़ आप कर लोगे 5 से 7 मिनट। ठीक है, उसके बाद अगर आपको तीन, क्योंकि इसको टाइम, आपको टाइम टाइम देना है 15 मिनट। ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 15 मिनट, और मिनिमम अगर आप 10 मिनट दें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपको रीजनिंग और मैथ पे भी जाना है, और वहाँ भी कुछ आपको कुछ वहाँ कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो टाइम तैयारी का मतलब क्या, टाइम यही सेव कर लिया जाए और आगे बढ़, क्योंकि ये इजी लेवल का आएगा। और कॉम्प्रिहेंशन भी मैं बताऊं, कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको 4 नंबर का, सॉरी 3 से 4 मार्क्स का एंटोनिम सिनोनिम्स मिल जाएगा। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स मिल जाएगा, और वो आसान होंगे, वो आसान होंगे। उसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वो पढ़िए, आप पैसेज में हाइलाइटर देखिए वहाँ क्या है, उसके उस सेंटेंस के, जैसे कुछ लिखा हुआ, मान लीजिए लिखा हुआ है कुछ, मैं लिख देता हूँ लेवल, जैसे लेवल लिखा हुआ है, तो जहां पे हाइलाइटर लेवल लिखा हुआ है उसके इधर और इधर वो सेंटेंस पूरा पढ़ लीजिए, तो उस लेवल का क्या मतलब है वहां पे, क्योंकि लेवल का मतलब हमें पता है, लेवल का मतलब क्या होता है वो हमें पता है, लेकिन उस पैसेज के हिसाब से क्या है, उस लाइन को, बस उसी लाइन को पूरा पढ़ जाइए तो उस लेवल का मतलब पता चल जाएगा। एंटोनिम सिनोनिम्स ऐसे 4 होंगे, 3 से 4 होंगे, जिन्हें आप आराम से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैं अभी बताऊंगा कि आप करने तो कर सकते हो, पेपर इजी लेवल का आएगा, लेकिन करना क्या है आपको, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ कहने वाली बात नहीं है, क्लॉस टेस्ट और स्पॉट एरर आप कर लेना, पैरा जंबल आप छोड़ सको तो प्लीज पैरा जंबल और रीडिंग आरसी, आरसी में 3 से 4 ही एंटोनिम सिनोनिम्स जरूर कर लेना, छोड़ना नहीं, आसान आते हैं उन्हें कर लेना, और पैरा जंबल अगर आप छोड़ सको तो छोड़ देना, अगर टाइम मिलता है तो कर लेना, क्योंकि पैरा जंबल में आपको 5 सेंटेंसेस, 5 पैरा पढ़ने हैं, उनको फिर अरेंज करना है, वो टाइम टेकिंग होता है, वो 5 मिनट से ले लेता है लगभग। ठीक है, अगर आप कर सकते हो, मैं ये नहीं करूँ आप छोड़ दो, करना दी, देखिए टीचर कुछ भी कहता है सुनिए जरूर उसकी, लेकिन करिए अपनी, उसकी सुनिए, अपना कंक्लूजन डालिए, क्या रिजल्ट निकलता है वही आपको करना है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं बस सुन लीजिए आप, लेकिन करना क्या है, डिसीजन आपका होगा। कभी भी जिंदगी में कोई डिसीजन आपको लेना है तो सुनिए सबकी, लेकिन करना वही है जो आप उसकी सुनने के बाद अपना कंक्लूजन डालें, और क्या रिजल्ट निकल के आता है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है, प्लीज वही करिए। ठीक है, तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही नहीं कर सकते, आप अपना भी कर सकते हैं, कंक्लूजन डालिए, सर बता रहे हैं हाँ स्पॉट एरर किया जा सकता है, क्लॉस टेस्ट किया था, हाँ तो सर सही बता रहे हैं, लेकिन पैरा जंबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैरा जंबल उलझेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, और 5 मिनट ले लेगा, और जहां 5 मिनट आपका चला गया, जहां आपको 10 मिनट देना था और आपका 5 मिनट वेस्ट हो गया, आप वहीं हो जाएंगे डिस्ट्रॉय। पेपर
शुरू होने से पहले आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उसे 1 घंटे में होता है, जहां आपका, क्योंकि देखिए आपको फ्रस्ट्रेट कौन करता है, फ्रस्ट्रेट आपको फ्रस्ट्रेट लेवल कौन बढ़ाता है, वो टाइम, टाइम क्लॉक जो होती है ना, वो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ाती रहती है। अगर वो धीरे चले तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल नहीं बढ़ेगा, आप आराम से काम करोगे। लेकिन वो अगर ऐसा लगेगा आपने देखा, अरे अभी 40 मिनट बाकी, तो अगर दोबारा आप गए, अरे 30 मिनट बाकी है, ये जो फर्क, अरे 30 मिनट बाकी है, ये आपका कहीं ना कहीं माइंड स्टेटस बिगाड़ता है। तो वो ना बिगड़े इसलिए सर कह रहे हैं कि पैराजंबल को छोड़ो, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होगा, इसलिए प्लीज, इसलिए स्पॉट टेस्ट और क्लॉस टेस्ट करने के बाद आप जब आप 10 नंबर का कर लोगे, तो जहाँ कट ऑफ 6 या 7 नंबर जानी है, ठीक है 5 नंबर जानी है, तो आपने 10 नंबर कर लिया, तो आपको यकीन है कि 7-8 नंबर तो मुझे मिल जाएंगे, और आपका यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो आप आरसी और पैरा जंबल फिर आप करोगे, तो कॉन्फिडेंस, जब आपका कॉन्फिडेंस होगा तो ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। ये 2015 का है, 2015 में क्या हुआ था, इनक्वालिटीज आई थी, और ईजी नहीं बहुत ईजी आई थी। इनक्वालिटीज के जो बेसिक होते हैं ना वो आता है, और इसको आप 1 मिनट में 5 इनक्वालिटीज कर सकते हो, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट आसान आता है, क्यों आसान आता है, क्योंकि सबको एक ही तरफ बैठाते हैं, रो वाला हो गया या सर्किल वाला हो गया, सबको, अगर सर्किल आया सबको एक तरफ बैठाते हैं, तो ये हो जाता है ईजी लेवल का, क्योंकि इसको अगर पढ़ना और कर लेना और ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बात चली तो मैं बता दूँ आपको। देखिए कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट आप करने जाते हैं ना, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट आप कर रहे हो, सिटिंग अरेंजमेंट में अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो सर्कुलर या सिटिंग हो, सर्कुलर भी, चलिए सर्कुलर भी ले लेते हैं, सर्कुलर भी हो, सर्कुलर अरेंजमेंट हो, उसमें क्या करिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे मान ली सर्कुलर पढ़ रहे हैं, वैसे मान ली 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, आप पढ़ना शुरू करो, आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, आपने यहाँ मान लीजिए ABCD, चलिए 4 लोग बैठे हैं, आपने बैठाना शुरू किया, चलिए ए यहाँ बैठा, फिर बी यहाँ बैठा, फिर आप देखते हो यार सही से बैठा नहीं है, क्योंकि उनके कहने का मतलब है कि ए के लेफ्ट में बी होना चाहिए, लेकिन वहाँ बी यहाँ आ गया, अब आप क्या करते हो, फिर से बनाओगे, फिर उसको बैठाना शुरू करोगे, ए हो गया, फिर यहाँ बी हो, हाँ आप करोगे, हाँ आप सही आया, तो यहां से यहां जाना 2 मिनट एक्स्ट्रा, 2 मिनट एक्स्ट्रा गया आपका, गया, हुआ ऐसा क्यों, क्योंकि जब होता किया है कंडीशंस लग जाती हैं, जब कंडीशंस लग जाती हैं कि ए, जब मे और मे नॉट आ जाता है, मतलब यहाँ ए हो सकता है और ए यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, उस कंडीशन में आप क्या करो, ठीक है, आप एक बगल में एक और बना लो, समझिए इस बात को, बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूँ, टाइम कंज्यूमिंग चीज है ये बहुत ज्यादा, आप दो दो सर्किल बना के चलो, ठीक है, हो सके 3 बना लो, ठीक है, पढ़ते जाओ बैठाते जाओ, अगर यहाँ पॉसिबिलिटी, जैसे अपने आपने जैसे पढ़ा यहाँ पे, एक मिनट में आपको बताता हूँ, अगर आपने यहाँ पे पढ़ा, मान लीजिए ये आपका था कि आपने पढ़ा कि ए यहाँ भी हो सकता है और ए यहाँ भी हो सकता है, तो आप ऐसा करो, ए के यहाँ बैठाओ और दूसरे सर्किल में ए एक ए यहाँ बैठाओ, आया समझ में, आगे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सी यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है, एक एक डायग्राम में, एक डायग्राम में सी यहाँ बैठाओ, एक डायग्राम में सी यहाँ बैठाओ, ठीक है, आगे आप सॉल्व करते चले जाओगे ना, तो आपका कोई ना कोई एक हो जाएगा गलत, लेकिन एक हो जाएगा आपका सही, उतनी ही टाइम में आपने सही क्या किया, राइट किया, आपने इसको वापस डिलीट नहीं किया, फिर से पजल को सॉल्व करना फिर से नए सिरे से नहीं शुरू किया, जो नए सिरे से आपने शुरू किया था वो टाइम जो आपका जो इतना आपने कंज्यूम किया, मतलब 2 मिनट आप लगा, फिर लगा अरे गलत पजल बैठ गई, फिर से बैठाते हैं, तो फिर से बैठाने के चक्कर में जो पहली पजल आपने सॉल्व करने की कोशिश, 2 मिनट जो वेस्ट किया था, वो वेस्ट, ये जो वेस्टेज था ना टाइम का, ये कंज्यूम हो जाए, क्योंकि एक आपके इन दोनों में से या तो ये या तो एक सही बैठ जाएगा और दूसरे को काट दीजिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है, जो टाइम आपने बचा लिया ना, कि एक फिर एक हटा के फिर दूसरी सॉल्व करने की कोशिश की, तो जो टाइम 2 मिनट आपका वेस्ट हो, वो 2 मिनट आपका बच जाएगा, और इस 1 घंटे के पेपर में 2 मिनट के जाके एडवांटेज करने वाला है, ठीक है। तो एक ये ट्रिक है, ऐसे ही सेम सेम अगर आप अरेंजमेंट का कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अरेंजमेंट का कर रहे हैं, मैंने 4 लोग बैठा रखे हैं, आपने 4 लोग हैं, ठीक है, अब वो कह रहा है ए यहां भी हो सकता है, ए
ए यहां भी हो सकता है और ए यहां भी हो सकता है। तो एक में ए यहां बैठा लीजिए और एक में ए यहां बैठा लीजिए, फिर आगे पढ़िए, तो इन दोनों को साथ में पैरेलल लेके चलिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक हो जाएगा आपका सही और एक हो जाएगा आपका गलत। तो आपने क्या किया, वो 2 मिनट अगर आप एक ही बैठाते तो फिर गलत हो जाता, फिर से आप करने की कोशिश करते हैं, फिर कंफ्यूज होते। इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक साथ दो दो डायग्राम लेके चलिए, उससे क्या होगा, एक आपका डायग्राम गलत हो जाएगा और एक डायग्राम आपका सही हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा और आपकी पजल भी इजिली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये दो मत छोड़िएगा, ये दोनों बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत इजी लेवल के आएंगे और जैसे मैंने बताया ना वैसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कोडिंग डिकोडिंग इजी आएगी, नंबर सीरीज इजी आएगा, देखिए ये इजी होगा। और अब मैं बताऊं 35 में से आप आराम से 30 मार्क्स ला सकते हो, सिर्फ बेसिक लेवल का आता है, बेसिक लेवल का, ज़्यादा टफ नहीं। इनक्वालिटीज और लीनियर पजल उजल बहुत बेसिक लेवल, जैसे आपने अभी देखा ना ऑफिस असिस्टेंट वाला, सेम वैसे ही आना है। सोच लिए कितना मजा आने वाला पेपर देने में, ठीक है। तो इसके लिए हैक्टिक नहीं होना है, पेपर आसान आएगा। जो हम कुछ ऐसा बना रहे हैं, कुछ इस तरह पेपर आ सकता है, वो है ये लीनियर अरेंजमेंट सर्कुलर में 5वें नंबर की आ जाएगी, 2016 की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर की आएगी, इनक्वालिटीज 5 नंबर की आएगी, नंबर सीरीज 5 नंबर का आएगा, ठीक है। और बाकी ये एक एक दो दो 3 नंबर का डाटा स्पेसिफिकेशन डबल अरेंजमेंट पैटर्न और ऑर्डर और रैंकिंग करके आएगा। अब इसमें नया क्या है, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक चीज़ ध्यान रखनी है, पजल जो है वो 3 भी आ सकती है। एक पजल कौन सी, डायरेक्शन वाली, क्योंकि इस बार डायरेक्शन वाली देखी गई है। कहाँ देखी गई है, हर एग्जाम में, आईबीपीएस का, चाहे आरआरबी का हो, चाहे ऑफिस असिस्टेंट आरआरबी हो, चाहे पीओ हो, हर जगह हो, डायरेक्शन की पजल उन्होंने ऐड की है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है कि 3 पजल दे दें, एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की, एक सर्कुलर की और एक डायरेक्शन की। तो इसके लिए आपको क्या होना है, तैयार, ये तैयार रहना है कि आपको 3 पजल मिलने वाली है। 2 मिल गए तो ठीक है, 3 मिलने वाली है, और एक नए जो इंक्लूड होने वाली इस बार पजल, वो डायरेक्शन वाली जो आ रही है। हर आईबीपीएस के पिछले 3 महीनों में जो भी आईबीपीएस एग्जाम 2-3 महीनों में हुए हैं, सब में डायरेक्शन की पजल ऐड की गई है और इसी साल ऐड की गई है। तो ये भी मान के चलिए कि क्लर्क में भी आपको डायरेक्शन की पजल मिलेगी, तो कहीं ना कहीं 3 पजल आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। इसके लिए आपको क्या होना है, तैयार। चलिए आगे बढ़ेंगे, चलिए न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, 2015 का पेपर है ये, पेपर देख रहे हैं आप, इजी, जो पिछला 2015 पेपर आया है इजी आया, सिंप्लीफिकेशन ये आपको बूस्ट करेगा बहुत ज़्यादा। 10 सिंप्लीफिकेशन इजी लेवल के, जैसे आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट में था 10 नंबर का, खटाखट आपने कर दिया, वही जाके क्लर्क में भी खटाखट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट डीआई आएगी 5 नंबर की और बहुत इजी आएगी, ठीक है। ग्राफ ही आती है, 5 नंबर का ग्राफ वाला आता है पेपर, कुछ ना कुछ जैसे ऑफिस असिस्टेंट का देखे है ना, कुछ वैसा ही होने वाला है। पेपर लेवल का ज़्यादा हाई नहीं होता, इसलिए कट ऑफ वट ऑफ ज़्यादा की ध्यान देने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ करना है। देखिए करना क्या है, 10 नंबर का ये तुरंत, और नंबर सीरीज, ठीक है, तुरंत 15 नंबर का, तो ये तुरंत सॉल्व करिएगा। अगर कुछ और ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेशन ऐड करेंगे, और वैसे पॉसिबिलिटी बनती नहीं है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ही अप्रोक्सीमेशन भी 5 नंबर का इसी में आ जाता है। हालांकि अगर आया तो ना 10 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आप कर लोगे, बाकी 15 नंबर का ये है, इस पर आंखें नहीं गड़ानी है, इस पर आंखें ध्यान नहीं देनी, क्योंकि आपका टारगेट ये 20 नंबर का यही होना चाहिए। जिसकी कट ऑफ जानी है ना, वो 5 से 7 नंबर जाती है हार्डली हार्डली, क्योंकि देखिए कट ऑफ का मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग होगी। तो हर स्टेट का मैं कैसे बताऊँ, पंजाब की अलग होगी, दिल्ली की अलग होगी, बिहार की अलग होगी, तो मैं कैसे बता दूँ कट ऑफ क्या होगी। तो इसलिए कट ऑफ ये ऑन एवरेज बता रहा हूँ, 5 से 7 नंबर जाएगी, और 20 नंबर में आप 15 नंबर आराम से पा जाओगे। तो इतना हैक्टिक होने की जरूरत नहीं, कि मैंने पहले बताया है कि प्री का नंबर जो होता है वो कूड़े में डाल दिया जाता है, सिर्फ क्वालिफाई करिए और आगे बढ़िए। इसकी जरूरत नहीं है कि आप अगर 100 में से आप 90 लेके आओ तो ही आप आगे बढ़ोगे, नहीं, 100 में से आप अगर 50 नंबर भी लेके आओगे तो भी आगे जाओगे। जो लड़का 90 लेके आएगा वो भी आगे जाएगा, तो इसका जो ये 40 नंबर एक्स्ट्रा पाए हैं ना, ये जाएगा कूड़े में, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको टारगेट क्या है, नंबर सीरीज 2015 में जो आया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और डीआई आराम से हो जाएगा, कोई हेक्टिक नहीं है। अगर आप 20 मिनट भी देंगे ना इसको, तो आराम से आप अच्छा खासा गेन कर लेंगे। तो क्या एक्सपेक्टेशन बनती है इस बार की, वो देखते हैं। देखिए 16 में क्या किया, सिंप्लीफिकेशन 10 नंबर का, डीआई 5 नंबर की, नंबर सीरीज 5 नंबर का, मेंसुरेशन, देखिए ये जो पार्ट है ना, प्लीज डोंट गेट हैक्टिक ऑन दिस टॉपिक्स, ठीक है।
आपका टारगेट यही है, हालांकि प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको 7 नंबर, 5 से 7 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। आप आराम से ये 3 टॉपिक 20 नंबर का करोगे ना, 90% एक्यूरेसी के साथ, तो आप 15 से 16 नंबर आराम से पा जाओ, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। आपको करने की इस टाइम हैक्टिक होने की क्या जरूरत, परसेंटेज मिक्सर एजीएस और एवरेज करने की क्या जरूरत है, ठीक है? उसके लिए आपको ध्यान नहीं देना है, आपका टारगेट यही है। सिंप्लीफिकेशन डाटा और नंबर सीरीज से आप आराम से कर लो, सिंप्लीफिकेशन 10 नंबर आप करोगे, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा कि अरे यार मेरे 10 नंबर तो पूरे पक्के हैं, बाकी नंबर सीरीज में भी मैं 3-4 तो कर ही दूंगा, डीआई में 3-4 मैं कर ही दूंगा, तो मेरे 15-16 नंबर तो आराम से बन गया। और 15-16 नंबर कम नहीं होते हैं, 15-16 नंबर बहुत हैं, ठीक है? हालांकि कट ऑफ जो होगी वो 50 के अंडर ही जाएगी, 50 के ऊपर नहीं जाती है, कहीं कहीं स्टेट में चली जाती है, लेकिन कहीं कहीं स्टेट में 50 के, हालांकि मैक्सिमम स्टेट में 50 के अंदर ही रहती है, ठीक है? अच्छा, कुछ कुछ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। पिछली बार कुछ स्टेट में कट ऑफ जो थी 1 नंबर थी, हाँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो सेक्शन कट ऑफ 1 नंबर था, बहुत जगह थी, यूपी में थी और शायद नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट पे थी, और कई जगह कट ऑफ 1 नंबर थी, सेक्शनल कट ऑफ 1 नंबर था, है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए 2015 की कट ऑफ दिखाता हूँ, ये देखिए, चलिए जनरल की 57, देखिए यहाँ 57 पॉइंट गई थी, आंध्र एपी की बात करेंगे, और ओबीसी की 50 गई थी, और एससी एसटी की 50-50 गई थी, लेकिन ये देख रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी कट ऑफ है, मैथ की 1 नंबर, रीजनिंग की 1.5 नंबर, इंग्लिश की 1.25 नंबर, लेकिन अगर इसको ऐड करेंगे ना, इसको ऐड करेंगे कितना बनेगा, 3.75, लेकिन कट ऑफ कितनी है टोटल वाली, 50, ठीक है? तो ये जो सेशनल कट ऑफ है इस पे, इसके लिए आपको ये देखिए 2015 का है, ठीक है, लास्ट ईयर कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ये जो ये कट ऑफ बनी है ना, इसके लिए आप इसके लिए आपको वरी नहीं होना है, क्योंकि कट ऑफ बहुत लो जाती है, इसका मतलब नहीं है कि आपको टोटल भी कम ही लाना है, टोटल आपको बनाना है, तो हर मेन में 15 मार्क्स तो आपको मिनिमम सेक्शन में तो लाना ही पड़ेगा। और आप घींचोगे कहाँ से, आप घींच सकते हो रीजनिंग, जहाँ से आपको 30 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, रीजनिंग सेक्शन इतना ईजी है, हालांकि मैथ में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैथ जो होता है टाइम टेकिंग होता है, तो इसमें ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे, समझे ना? देखिए आपको ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ आता नहीं होगा, आता होगा, लेकिन आप कर नहीं पाओगे, ध्यान दीजिए दोनों बातों में डिफरेंस है, आप कर नहीं पाओगे क्योंकि टाइम वहां नहीं रहेगा, तो आप यहां से आप जल्दी जल्दी पजल करोगे, जल्दी जल्दी पजल आपकी तुरंत हो जाएगी, और काफी, इसको 25 मिनट दे दीजिएगा, 20 से 25 मिनट, तो आपको 30 मार्क्स, 25-30 मार्क्स मिल जाएगा। आसाम की देख लीजिए, बिहार की देख लीजिए, चंडीगढ़ की दिखाता हूँ मैं आपको, चंडीगढ़ की 46 थी, ओबीसी की 22 थी, और एससी की 37 थी, ठीक है? एक चीज देख रहे हैं, ओबीसी की कितनी है, 22 है, एससी की कितनी है, 37 है, ये कभी आपने सोचा था? आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की ये है, दिल्ली की भी काफी इंटरेस्टिंग है, 45 है, और एक्स रिजर्वेशन की 5.5 है, जनरल ओबीसी की इतनी है, ओबीसी की 37 है, एससी की 41 है, और एसटी की 5.75 है, गोवा है, गुजरात है, गुजरात दिखाता हूँ मैं, 30 है, ओबीसी की 20 है, एससी की देखिए ज़्यादा है, यहाँ पे भी 30.75, एसटी 5 है, हरियाणा की 40.75 है, जनरल की ओबीसी की 31 है, एससी की 29 है, ठीक है? हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू हो गया, आई थिंक जम्मू की सबसे ज़्यादा थी 57 जनरल में, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, झारखंड देख लेते हैं, झारखंड में 50.5 है, हाँ, और एससी के 40 है, और एसटी के है, कर्नाटका दिख रहा है, केरला, एमपी, एमपी में आपको दिखाता हूँ 40.5 है, और एससी की 39 है, और एसटी की बहुत कम है। महाराष्ट्र दिखा देता हूँ, महाराष्ट्र का क्या गया था, जनरल का 30 गया था, देखिए यहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा थी इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा कम है, और महाराष्ट्र में एससी की 30 है और 4.5 है, एक्स सर्विसमैन और ओबीसी की सब दिख रही है यहाँ पे, मणिपुर मेघालय की यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, उड़ीसा की देख लेते हैं, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, स्टेट वाइज आई थी, और ये कट ऑफ जो है ये प्रीलिम्स की हैं 2015 की, ठीक है? उड़ीसा की आपके सामने है 52 है, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जम्मू की 54 गई थी जनरल की, पंजाब की देखिए 26 है, ओबीसी की 30.75 है,
जनरल की 30.75, कहीं ना कहीं ये ज़्यादा वेरी नहीं किया पंजाब में, बहुत कम ज़्यादा वेरिएशन है अगर एसटी घटा दे तो जनरल ओबीसी और एसटी में। एससी मैंने पहले बताया कि एससी का कंपटीशन यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और राजस्थान में आपके सामने है, तमिलनाडु में ये है, और आगे बढ़ेंगे ये देख लीजिए, तेलंगाना, त्रिपुरा, यूपी। यूपी की मैं बताता हूँ आपको, 43 थी जनरल की, और एससी की 31.25 थी, 19 थी एसटी की। उत्तराखंड की ये है, वेस्ट बंगाल की ये है 50, अच्छा वेस्ट बंगाल की सबसे ज़्यादा थी, 55 थी, जम्मू की 54 थी, ओके जनरल की 55 सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में गया था, शायद वहाँ वैकेंसीज बहुत कम होंगी इसलिए इतना मेरे, 39 एससी और एसटी 25। चलिए इतना कुछ था, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पिछले कट ऑफ क्या थी, इस बार कट ऑफ थोड़ी सी हाई होगी क्योंकि इस बार वैकेंसीज कम है, इस वजह से कट ऑफ हाई होगी। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं तो वेलकम है, और ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट के बारे में पूछें, और कुछ भी पूछ सकते हैं आप हमारे में, एज आ फ्रेंड समझें, ऐसा सर सर आप बोलते हो आप, ठीक है सर ठीक है, लेकिन आप एज आ फ्रेंड मुझे ट्रीट करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को अभी वाइंड अप करता हूँ, फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलूंगा।